रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव ने बताया कि आज श्री राम ज्योति कब जलाई जाएगी, श्री राम ज्योति जलाने का मुहूर्त क्या है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि दिवाली का उत्सव प्रदोष काल में मनाते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होने लगता है तो उस समय ही उजाला करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में आज प्रदोष काल में ही आपको श्री राम ज्योति जलानी चाहिए। प्रदोष काल से लेकर पूरे रात तक श्री राम ज्योति जलनी चाहिए। बाकी आप घरों के आगे कितने भी दिए जो सकते हैं, लेकिन राम ज्योति को घर के मंदिर में रखें। इसके अलावा आप 5 दीपक तैयार कर रसोई में घर के मुख्य द्वार आंगन और तुलसी के पौधे के पास रख सकते हैं। और पूजा की बात करूं तो शाम को आप आरती पूजा करते हैं, उसी समय श्री राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी पर जल चढ़ाए और मूर्ति पर अभिषेक भी कर सकते हैं। और भगवान को मोली, चंदन, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल और फूल आप चढ़ाएं। ऐसे आप शाम को श्री राम की पूजा आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। आसान भाषा में बात करें तो एक तो जो आपके घर में मंदिर है उसके आगे बड़े दिए में राम ज्योति प्रज्वलित होगी, जो पूरी रात रहनी चाहिए। इससे मनोकामनाएं वगैरह पूरी होती है। साथ ही में आप घर के बाहर या आंगन में इसके अलावा 11 दिए अपने आंगन या घर में रख सकते हैं। बाकी 108 दियों की रोशनी भी अपने घर या आंगन में कर सकते हैं। बाकी आप शाम को जैसे आरती वगैरह करते हैं उसी समय भगवान राम की पूजा कर सकते हैं, यही शुभ समय है। और आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है तो आप शराब या अन्य बुरी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही में विशेषकर आज के दिन आपको गलत क्रियाएं भी नहीं करनी है। बाकी आप मन से कितने भी दीपक प्रज्वलित करेंगे और मन से पूजा करेंगे तो वह पूजा स्वीकार होगी।